नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली में रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद पाकिस्तान के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। मैं खुद लाहौर चला गया था, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिल मिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है, क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में न्योता दिया था। हमने नए रिश्ते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं खुद लाहौर चला गया था, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला। लेकिन आज जो इस्लामिक वर्ल्ड है, हमारे जो गल्फ के देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध मौजूदा दौर में भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन आज हमारे संबंध है, और उसके कई वजह हैं। इसके उदाहरण आज कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। पहला ये कि आज भारत तमाम देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर जॉर्डन, तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते आज एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन, सऊदी अरब हो या यूएई, मालदीव हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, भारत की संस्कृति के साथ अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। इसी का परिणाम है कि सऊदी अरब ने भारत से जाने वाले हज यात्रियों को कोटा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा किया। मैंने मांग की थी कि भारत में मुसलमान समाज में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, वे हज यात्रा करना चाहते हैं, और मैंने कहा मुझे 2 लाख का कोटा कर दीजिए। उन्होंने कर दिया था। भाइयों, पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम देशों ने जिस प्रकार और जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है, वो अभूतपूर्व है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत के जितने कैदियों को छोड़ा है, उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति उनका सम्मान। आपने देखा होगा कि मैं खुद जब इन देशों में जाता हूं तो उनके राष्ट्र प्रमुखों की सहमति के साथ वहां बसे भारतीयों के पास भी जाता हूं। वो भी बताते हैं कि इन वर्षों में उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बढ़ा है। साथियों, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में जितनी प्रगाढ़ता आज आई है, वो वर्षों बाद हुई है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत बंटवारे के समय से चली आ रही
समस्याओं को सुलझा रहा है। जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, ब्रॉडबैंड का विस्तार हो, बांग्लादेश के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस और उसके साथियों को पच नहीं रही है। वो यही सोचते हैं कि मोदी को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा, और जो मिल रहा है, अगर यही चलता रहा तो भारत में उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी अफवाहें हैं, उनके जो झूठ है, मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारनामे हैं, उनको लग रहा है कि दुनिया का मुसलमान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा तो भारत के मुसलमानों को डराने का काम कैसे करेंगे, ये इनकी चिंता है। और इसलिए समय समय पर ये दल नई नई साजिशें लेकर के आते हैं। इस समय भी इनकी साजिशों का नया दौर शुरू हुआ है। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 3 तलाक पर मुस्लिम बहन बेटियों और उनके पिता भाइयों के समर्थन ने इनकी टेंशन और बढ़ा दी है। और इसलिए मैं कहूंगा, टेप रिकॉर्ड की मत सुनो, उनके टेप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप आश्वस्त रहिए, इन लोगों की साजिशों के बावजूद आपका ये सेवक देश के लिए, देश की एकता के लिए, शांति और सद्भावना के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई देशवासी न देश को झुकने देना चाहता है, न देश को बटने देना चाहता है। भाइयों बहनों, ये लोग तो मेरे साथ आज से नहीं, 20 साल से, 2 दशकों से इसी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी यही पैटर्न है, मौत का सौदागर से लेकर अब तक देख लीजिए, उन्होंने यही खेल खेले हैं। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं, और तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है।